बिकरू कांड तो याद ही होगा आपको, यदि नहीं तो इस विकास दुबे को तो भूले ही नहीं होंगे आप। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले के बिकरू गांव में बीते साल 2 जुलाई की रात को विकास दुबे और उसके गुर्गों ने मिलकर सीओ देवेंद्र मिश्रा समेत 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद यूपी पुलिस ने 3 से 10 जुलाई के बीच विकास दुबे के साथ ही उसके गुर्गों पीपी पांडे, अतुल दुबे, अमर दुबे, प्रवीण दुबे और प्रभात को एनकाउंटर में मार गिराया था। उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना था कि जब पुलिस विकास दुबे को सड़क के रास्ते उज्जैन से कानपुर ला रही थी, तभी अचानक बीच रास्ते में गाड़ी पलट गई और पुलिस के चंगुल से भागने की कोशिश कर रहे विकास दुबे ने पुलिस वालों पर फायरिंग की, जिससे अपना बचाव करते हुए पुलिस ने विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया। पुलिस की इस थ्योरी पर तब कई सवाल उठने लगे थे, लेकिन अब इस एनकाउंटर की जांच के लिए गठित किए गए न्यायिक आयोग की जांच में ये सामने आया है कि बिकरू कांड के मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर फर्जी नहीं था, उसके 5 साथियों का एनकाउंटर भी फर्जी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बीएस चौहान की अध्यक्षता में बनाए गए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की है। आयोग के मुताबिक विकास दुबे की पत्नी ऋचा ने भी फर्जी मुठभेड़ का आरोप तो लगाया, लेकिन इस बारे में वो सबूत नहीं दे सकी। पुलिस के बयानों और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कुछ भी अलग अलग नहीं मिला। ऐसे में आयोग ने यूपी पुलिस को क्लीन चिट दे दी है। साथ ही सूबे में कोई दूसरा विकास दुबे न बन पाए, इसके लिए पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार की कई सिफारिशें भी आयोग ने की हैं। विधानसभा में बीते दिन योगी सरकार ने आयोग की इस रिपोर्ट को पेश किया। इस आयोग में हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज शशिकांत अग्रवाल और रिटायर्ड डीजीपी केएल गुप्ता भी शामिल थे। रिपोर्ट में कहा गया कि विकास दुबे और उसके साथियों के एनकाउंटर के खिलाफ एक भी गवाह नहीं मिला। घायल पुलिस वालों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट में कोई अंतर नहीं है। विकास दुबे की बीवी ने सुप्रीम कोर्ट में फर्जी मुठभेड़ की याचिका दी थी, लेकिन आयोग के सामने वो पेश नहीं हुई। इससे पहले मजिस्ट्रेटी जांच में भी यही तथ्य सामने आए थे। आयोग की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि विकास दुबे और उसके गैंग को पुलिस और प्रशासनिक अफसरों की शह मिली हुई थी। उसके खिलाफ शिकायत करने वाले को उल्टा पुलिस ही प्रताड़ित करने लगती थी। सर्किल के टॉप 10 अपराधियों में विकास दुबे भी था, लेकिन जिले के टॉप 10 बदमाशों में उसका नाम नहीं था। विकास दुबे और उसके शागिर्दों के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमों को पुलिस अपनी विवेचना में ही निपटा दिया करती थी। विकास पर 64 मुकदमे दर्ज थे, लेकिन कोई विशेष अभियोजन अधिकारी कभी नियुक्त ही नहीं किया गया। स्थानीय खुफिया तंत्र पूरी तरह फेल था। कुछ पुलिस वालों ने विकास को पुलिस रेड की जानकारी दे दी थी। रिपोर्ट में ये तथ्य भी सामने आए कि 2 जुलाई की रात बिकरू गांव में दबिश देने गए 40 पुलिस वालों में से सिर्फ 18 के पास हथियार थे, लेकिन किसी के पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी। इस पूरे मामले ने उत्तर प्रदेश में अपराधियों को मिलने वाले राजनीतिक संरक्षण और पुलिसिया तंत्र की नाकामी को बेनकाब करके रख दिया था। न्यूज़ रूम पोस्ट के लिए प्रशांत भारद्वाज की रिपोर्ट।